हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगा समा क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कि मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं, मेडिकल के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नोटिफिकेशन, क्या इन्फॉर्मेशन यूपी सैनिक स्कूल की ओर से दी गई है। तो चलिए सीधे देखते हैं। तो आप जहाँ लिखेंगे बच्चे यूपी सैनिक स्कूल, टाइप करेंगे यूपी सैनिक स्कूल, जैसे आप टाइप करेंगे यूपी सैनिक स्कूल कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी। आप यहाँ एडमिशन पर क्लिक करेंगे 2022-23, यहाँ से आप एडमिशन सेशन 2022-23 पर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से अगर अभी तक आपने अपना आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो विदाउट एनी कॉस्ट आपको मिलती रहे। इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस प्लस स्टडी मटेरियल और सारी कंटेंट आपको ईजिली प्रोवाइड हो सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे आपने अभी तक अपना रोल नंबर चेक नहीं किया तो चेक कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करके आप क्लिक हियर टू डाउनलोड दी, यहाँ दिख रहा है आपको इंटरव्यू लेटर एंड मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म। तो हम मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे आप, यहाँ क्लिक करेंगे तो मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म आपके पास इस तरीके से एक फॉर्म खुल करके आ रहा होगा आपके सामने। आप यहाँ देख पा रहे हैं कैप्टन मनोज पांडे, मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, एंट्रेंस एग्जाम 2022-23, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, पर्सनल स्टेटमेंट्स यहाँ आपकी हैं कुछ। आप यहाँ देख रहे हैं नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल, आपको पूरा अपना नाम लिखना है, देन फादर एंड गार्जियंस, मेरे फादर या गार्जियन में थे यानी डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज ईयर्स में जो कि आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने आपको दो, आपको परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपको आपके अपने जहाँ पर रोल नंबर चेक किया होगा वहाँ आपको मिल गई होगी, या आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मैसेज मिला होगा या ईमेल मिला होगा उसके थ्रू आपको प्राप्त हो गई होगी। प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होना है वो आपको प्लेस भी पता लग गया होगा। यहाँ फैमिली की कुछ हिस्ट्री आपको देनी है, नाम लिखना है अपने फादर का, मदर का, ब्रदर सिस्टर, जो भी उनकी एज, हेल्थ और कॉज ऑफ डेथ और कॉज ऑफ यानी ईयर ऑफ डेथ अगर ऐसा कुछ है तो। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फैमिली हिस्ट्री आपको देनी है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं है इससे इनसे रिलेटेड, तो आपको यहाँ फिल करना है। देन आपकी पर्सनल मेडिकल हिस्ट्री है जो आपको फिल करनी है अपने बारे में कुछ, और यहाँ कुछ आपको आंसरिंग है जो कि यस नो टाइप में आपको आंसर करने हैं। यहाँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, आप कभी भी अगर इनमें से किसी से आप पीड़ित हुए हैं, किसी से अगर परेशान हुए हैं तो आप यहाँ जवाब दे सकते हैं। हैव यू एवर बीन एडमिटेड फॉर एनी इलनेस, ऑपरेशन और इंजरी, इफ सो स्टेट द नेचर ऑफ डिसीज एंड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, अगर आपको कुछ भी इस प्रकार से कोई परेशानी हुई है, कोई इलनेस या कोई ऑपरेशन है या कोई इंजरी है, तो आप कितने समय तक हॉस्पिटल में रहे हैं और किस प्रकार का था वो आपको यहाँ डिटेलिंग पूरी देनी है, ये आप फिल करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन आप देख रहे हैं, आई हैव डिक्लेयर दैट, आपको डिक्लेरेशन साइन करनी है अपने साइन, या आपके पास आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका फादर के सिग्नेचर, आपके फादर का नेम और डेट, क्या भरेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप चेक कर पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में, आपका हाइट, आपका वेट आपको मेजर करना है। यहाँ हाइट दे रखी है आपके अंदर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, इतना वेट होना चाहिए आपका, प्लस 5 माइनस 5 चलेगा, उससे ज़्यादा होने पर आपको पॉइंट मिल सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका चेस्ट लेवल है नॉर्मल कितना है और एक्सपेंशन आपका कितना है, उसको आप यहाँ फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ बोल भी रखा है 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए कम से कम। आप देख रहे हैं विजुअल स्टैंडर्ड आपका 6x6 का होना चाहिए, यहाँ बोल भी रखा है डिस्टेंट विजन 6x6 है, वर्ज है आपका 6x9, जैसा भी आपका आप यहाँ भरेंगे इस चीज़ को। आप यहाँ और चीज़ देख पा रहे हैं फ्लैट फुट आपका चेक किया था, फ्लैट फुट आप देखते हैं, जैसे आप फ्लैट फुट चेक कर सकते हैं, आप अपना गीला पैर करके किसी पानी में भिगो करके आप किसी फ्लैट सरफेस पर चलिए, तो अगर वो गैप आपके पैरों के अंदर आ रहा है तो समझ लीजिए आपके अंदर फ्लैट फुट नहीं है, अगर वो गैप नहीं बन रहा है इसके अंदर समझ लीजिए आपके अंदर फ्लैट फुट है। तो आप उसके लिए कुछ सोल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सूज ट्राई कर सकते हैं। तो देन नॉकनी आप देख रहे हैं, नॉकनी आप जैसे ही खड़े होंगे ज्वाइंट करेंगे तो आपके पैर पीछे की तरफ ना झुक रहे हों और आपके जॉइंट्स आपस में ना बिट रहे हों तो उन्हें नॉकनी बोलते हैं, ये भी यहाँ चेक करी जाएगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डेंटल कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, दांत देख रहे हैं सुंदर होने चाहिए, कोई टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, इनके भी पॉइंट्स हैं कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स आपको मिलने चाहिए, उससे आगे आपको पॉइंट मिल सकता है। हियरिंग स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, यहाँ पे आप इस पर को भी सुन सकें, यानी आपके कान पर रख करके कुछ थोड़ी सी नॉइज़ करी जाएगी और 610 सेंटीमीटर दूर से एक व्यक्ति कोई कुछ बोलेगा आपको सुनना है और बताना है। देन ऑडियोमीटर रिकॉर्ड्स ये भी आपको चेक किया जाएगा, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको फिल करनी है, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ चीज़ें इसी तरीके की यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है, मेडिकल फिटनेस, ये आपके कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आपको फिल करने हैं, ये आपके कुछ बोन्स और जॉइंट्स के बारे में, बोन कोई टेढ़ी या हाथ कोई टेढ़ा तो नहीं है, कोई जॉइंट्स इस प्रकार का तो नहीं है, माउस में आपका माउस का कैसा है, बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर कुछ भी अलग तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक कर जाएंगी। नोज़
आपकी आई और आपका विजन। ये आपकी चेक करी जाएंगे, ईयर्स है आपका, CVC, CVS, लंग्स और आपका स्किन, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क और ये सारी चीज़ें यहाँ चेक करने के बाद आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं रिमार्क्स ऑफ द मेडिकल बोर्ड की ओर से रिमार्क्स आपको दिए जाएंगे और रिमार्क्स बस इतना ही है आपका, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होनी है मेडिकल में। आप एक प्री मेडिकल जरूर करा लें, कान वानों की सफाई करा लें और दांत वांत ठीक से साफ रखें अपने, ताकि आपको पॉइंट्स कम से कम मिलें और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो धन्यवाद, आपको उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।